सो हे गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो गाइस, चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जाके सेट कर देना मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए सबसे पहले। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम ट्रेन के बफर्स बनाने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होगे कि ये बफर्स कैसे काम कर रहा है, देख लीजिए। अब इस वीडियो का मेकिंग पार्ट एक छोटे से इंट्रो के बाद हम देखेंगे कि कैसे बना सकते हैं इस बफर्स को। सो गाइस, सो लेट गेट स्टार्टेड। A feel of discontent, I'm finally facing it all. Fearless. हे गाइस, छोटे से इंट्रो के बाद आप लोगों का स्वागत है। सो गाइस, आपको 1.5 mm के स्ट्रिप ले लेना है पेपर के। उसके ऊपर मैंने 2 स्ट्रिप ले लिया है 1.5 mm के। इसे को बीचों बीच एल्फी डाल देना है और इसके बाद पेपर पे रोल कर लेना है। रोल करने के बाद मिलते हैं हम। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि कैसे गोल कर लिया है हमने। इसके ऊपर हमें एल्फी डाल देना है कि जैसे कि खुले ना बार बार। उसके बाद हमें इसी के ऊपर एक और, मतलब कि थोड़ा सा लूज में रखना है, इसी टाइप का रोल बना लेना है इसके ऊपर, जैसे कि इजीली फ्रीली मूव करे हमारा बफर। जैसे कि देख पाओगे, यही मैंने 1.5 mm का एक ही स्ट्रिप लिया, डबल स्ट्रिप नहीं है, सिंगल स्ट्रिप में इसे लपेट लेना है। उसके बाद फिर उसी के तरह इसके अंदर एल्फी डाल लेना है। इसे निकाल करके फिर से एल्फी डाल देते हैं। मैंने एल्फी डाल लिया है। अब इसके साइड में हमें एल्फी डाल देना है। जैसे देख पा रहे हो, फ्रीली मूव कर रहा है। आपको इसमें साइड में एल्फी डाल लेना है, जैसे कि ये मजबूत हो जाए पत्थर की तरह। दोनों में मैंने एल्फी डाल लिया है। ये मैंने पेपर का, मतलब कि 4 शीट ले लिया है वही पेपर की। अब उसके साइड में मैंने एल्फी डाली है, जिससे कि थोड़ा सा हिले ना। एल्फी डाली है। इसके ऊपर मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है, जो बफर्स के आउटर वाले रिंग से बड़ा हो थोड़ा। इसको काट लेना है। मैंने काट लिया है। अब ये जो छोटा वाला हमने बनाया था बफर्स का रिंग, जो 2 mm 2 स्ट्रिप से बनाया था, उसके ऊपर हमें इसे चिपका लेना है। जैसे कि देख पा रहे हो, ये फ्रीली मूव कर रहा है। भाई लोग, ऐसे ही ये फ्रीली मूव करेगा। इसके अंदर हम एक स्प्रिंग लगा देंगे। अब इसके जो हमारा इनर शैडो, जो हमारा सर्कल का बीच वाला था, इसके अंदर हमें क्या करना है, ग्लू गन भर देना है। ग्लू गन भरने के बाद इसके अंदर हम एक स्प्रिंग डाल देंगे। जैसे कि देख पा रहे हो कि हम ग्लू गन भर रहे हैं इसके अंदर। ग्लू गन भर चुका है इसके अंदर। अब इसके अंदर हम एक स्प्रिंग लगा लेंगे। जैसे कि देख पा रहे होगे कि ये स्प्रिंग लग चुका है। अब इसके हम साइड में भी थोड़ा थोड़ा सा ग्लू गन भर देते हैं, जिससे कि ये स्प्रिंग बाहर ना निकल जाए गलती से भी। अब इसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए हम छोड़ देते हैं। अब इसको, ये सूख चुका है। अब इसे हमें आउटर रिंग को डाल देना है इसके ऊपर। अब इसके बाद क्या करना है, इसके यहीं पे हमें एल्फी डाल देना है, कागज़ का वही टुकड़ा। मैंने 4 कागज का टुकड़ों को चिपका दिया है, बीचों बीच एल्फी डाल के स्प्रिंग को भी चिपका दिया है। अब थोड़ी देर के लिए इसे भी सूखने के लिए रहन देते हैं।
तो गाइस ये अब सूख चुका है। अब इसे क्या करना है, हमें आउटर रिंग को नीचे ले आना है। अब आउटर रिंग के ऊपर हमें एलपी डाल देना है बाहर की तरफ से, जिससे कि ये फ्रीली अच्छे से वर्क करे। हमने आउटर में एलपी डाल लिया है। अब इसे क्या करना है, हमें साइड साइड से काट लेना है इसके सर्कल के हिसाब से। जो एक्स्ट्रा कागज़ है उसे काट लो अच्छे से। मैंने एलपी डाल लिया है अच्छे से इसके ऊपर। ये सूख चुका है। अभी से मैं क्या कर रहा हूँ, साइड साइड से काट लूँगा इसे। जैसे कि देख पा रहे हो कितना अच्छा सा हमारा बफर्स लग रहा है काटने के बाद। तो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तो गाइस देख सकते हो कि कैसे वर्किंग कर रहा है। तो गाइस लाइक तो बनता है, इतनी मेहनत करी है भाई लोग। जैसे कि देख पा रहे हो कितना स्मूथ वर्क कर रहा है हमारा बफर। मैंने ऐसे ही दो बफर बना लिए हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।